विरोधी पार्टियों ने तो काफी संगठन बना डाले, काफी छोटी छोटी पार्टियां बना डाली, और किस लिए कि जब चुनाव हो पार्लियामेंट असेंबली का तो बीएसपी को चुनाव हराने के लिए, इनका वोट बांटने के लिए तो जो छोटे छोटे संगठन पार्टियां बनाई, ऐसा हमें आपके नगीना सुरक्षित लोकसभा की सीट पर भी देखने के लिए मिल रहा है। की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी बिजनौर पहुंची, जहां पर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर बिना नाम लिए ही निशाना साधा। बिजनौर में की नगीना लोकसभा सीट से ही चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी की बिजनौर और नगीना की संयुक्त जनसभा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि ऐसी पार्टियां बीएसपी का वोट बांटने के लिए ही तैयार की जाती है। विरोधी पार्टियों ने तो काफी संगठन बना डाले, काफी छोटी छोटी पार्टियां बना डाली, और किस लिए कि जब चुनाव हो पार्लियामेंट असेंबली का तो बीएसपी को चुनाव हराने के लिए, इनका वोट बांटने के लिए तो जो छोटे छोटे संगठन पार्टियां बनाई हैं तो उनके माध्यम से वो बीएसपी के कैंडिडेट को हराने के लिए तो वो अपने उम्मीदवार खड़े करवा दें, अपने उम्मीदवार खड़े करवा देते हैं तो ताकि दलितों का वोट बढ़ जाए, ऐसा हमें आपके नगीना सुरक्षित लोकसभा की सीट पर भी देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, ये जो छोटे छोटे संगठन बने हैं, छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं, इनका कोई मकसद चुनाव जीतना नहीं है, इनका मकसद बीएसपी का जो बेस वोट है दलित वोट उसको बांटकर तो बीएसपी के कैंडिडेट को हराना है और दूसरी पार्टियों को जिताना, ये इनका केवल मकसद है। इसलिए मेरा खास तौर से दलित वर्ग के लोगों से ये कहना है कि आप लोगों को अपना वोट ऐसे संगठन ऐसी पार्टियों को एक भी नहीं देना है, यदि एक भी वोट दे दिया तो फिर इसका फायदा दूसरी जातिवादी पार्टियों को मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों को एक एक वोट आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को देना है। राजनीतिक दलों के द्वारा बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी यही नहीं रुकी, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना ही जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने और बांटने के लिए ही प्रयोग विरोधी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जाती है। इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया कमेंट जरूर करें।